जितने मर्जी डॉलर्स चाहें कमा सकते हैं। मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कल इनका मैंने एक इंटरव्यू किया है, इनकी वाइफ भी साथ थी, शी इज़ ए फॉरनर, और उनका कुछ लोगों की वजह से, पाकिस्तान में कुछ लोगों की वजह से मुझे इंतहाई कल अफसोस और शर्मिंदगी एज ए पाकिस्तानी महसूस हुई जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में तो जी इस तरह हैं। फिर मैंने उन्हें काफ़ी देर ब्रीफ किया कि पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह इस तरह के लोग होते हैं। तो हमारा इमेज देखें, एज ए पाकिस्तानी हमारा इमेज बाहर के लोगों में क्या है, सबसे पहले तो हमें अपने अमल से, अपने किरदार से ये साबित करना पड़ेगा कि हम लोग सारे लोग एक जैसे, जैसे हाथ की पांच उंगलियां एक जैसी नहीं हैं, इस तरह सारे लोग एक जैसे नहीं, अच्छे बुरे लोग होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अगर प्रोफेशनल लोगों को इन्वॉल्व कर लें, देखें हमीदुल हक है, डेविस कप्पर है, वो इस वक्त भी टर्की में है और राउंड फोर में पहुँच गया है, सीनियर प्लेइंग ही इज स्टिल प्लेइंग 45+ के वो चौथे राउंड में पहुँच गया है टर्की में। सही, इस तरह के लोगों को जिन्होंने टेनिस खेली है, उनके खून में टेनिस है, वो टेनिस उनका ओढ़ना बिछोना है, उन लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको आगे लाएं। ये पैसे कमाने का जरिया इसको मत बनाएं, मतलब है पैसे तो आप जिस वक्त आप एक नेशनल चैंपियन प्रोड्यूस करेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो पैसा तो खुद ब खुद आ जाएगा। सही। सबसे पहले आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, स्कूलों में जाएं, वहाँ पे जाके रैकेट्स बॉल्स दें, एक फ्री 4-5 कोचेस के महबूब खान को, जुल्फकार रहीम को, हमीदुल हक को, इनामुल हक को, आसिम शफीक है, बहुत सारे नाम हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करें। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि 2004 में जब बीरबल वडेरा पाकिस्तान आए थे और इन्होंने एक कैंप लगाया था, 2004 से 2011 तक 7 साल में मैंने ये सवाल किया था कि कितने बच्चे या नेशनल लेवल पे आए हैं। अभी ये कैंप है 30 दिन का या 35 दिन का, ये इनका कैंप है, ये कैंप ख़त्म होगा 5 या 6 तारीख को, ये लाहौर जाएंगे, उसके बाद ये वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद जो इन्होंने ट्रेनिंग दी है, जो लोग बच्चों को इन्होंने 30-35 दिन का एक अच्छा, मतलब जो टफ टाइम दिया है, फ्रूटफुल टाइम दिया और बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, उनकी कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन है जो इसके बाद भी उस पर ध्यान देगा, वरना वही 2004 वाला हाल होगा कि जनाब एक कोच आया था, कोच का काम है ट्रेनिंग देना, आप किसी को सुराख करके तो अंदर नहीं डाल सकते, आप उसे सिर्फ ट्रेन कर सकते हैं। और तरीकाकार बता सकते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स मैंने इनके देखे हैं, इनके ट्रेनिंग मेथड्स अच्छे हैं, मैं मुसलसल मतलब डेली विजिट करता रहा हूँ, और बच्चों से भी मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चों से भी मेरी बात हुई है कि बच्चे इनकी ट्रेनिंग से खासे मुतमईन हैं, लेकिन ये हैं फिजिकल ट्रेनर, आपके जो गेम इम्प्रूव करनी है आपको अपने कोचेस की ज़रूरत है जो हर वक्त आपको अवेलेबल हों। PTF अगर चाहे तो ये जितने बड़े नाम मैंने आपको दिए हैं ये सारे दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प आउट पाकिस्तान। वो बेचारे बैठे होते हैं, ये उनसे वो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ अपने क्लब्स जो हैं उनमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर PTF चाहे उनकी खिदमात से इस्तेफादा हासिल कर सकता है, और मुझे यकीन है कि PTF की तरफ से संजीदा कोशिश होने की देर है। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना स्पॉन्सर्स की कमी है, मल्टीनेशनल्स और अपने बैंक्स हैं और इदारे हैं, ये मोबाइल कंपनियां हैं और बल्कि मोबिलिंग और यूफोन वगैरह ये तो करते हैं, तो सिर्फ ये है कि आपने एक दफ़ा उनको अमलन दिखाना है, ग्राउंड रियलिटी उनको बताएंगे तो आप दिखाएं। अच्छा एक चीज़ और है, मसलन मुझे नहीं समझ आ रही कि टेनिस सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक मुझे नज़र आ रही है, पख्तूनख्वा में नहीं है, लाहौर में चले कुछ थोड़ी बहुत होगी, बलोचिस्तान में नहीं है, ये फेलियर नहीं है PTF का कि ये खाली इस कम्प्लेक्स का नाम PTF है, इसको पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो क्या खाली वो लाहौर के लिए है, ये पंजाब के लिए है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं, वो तो हर जगह पर उनकी टीमें होती हैं, एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक टूर्नामेंट्स होते हैं। मैंने आज तक ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा कि इंटर प्रोविंशियल कोई मुकाबले हुए हों, कोई इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबले हुए हैं, कोई इंटर स्कूल मुकाबले हुए हों, तो किस तरह इम्प्रूव, कैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए ये बार बार जो स्ट्रेस कर रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल है स्कूल्स, जब आप स्कूल्स में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप इंटर स्कूल या इंटर कॉलेजेट या इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स कराएंगे। अभी यहाँ पर हुई है एक इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप पिछले दिनों PTF में ही कम्प्लेक्स में हुई है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का मतलब ही यही है कि फ्रॉम कराची टू खैबर, सही, इनका ये काम बनता है। अभी आप, मैं आपको एक लड़के का नाम बताता हूँ, सनाउल्ला, ही इज़
20